जो है ना घिवरा बोला जाता है, लेकिन पटना में जो है ना नेनुआ बोला जाता है। लेकिन रास्ता भटक गए हैं, जाना था किधर आ गए हैं किधर। अब मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का, बहुत ही घमासान होने वाला है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, अभी बज रहा है सुबह के 6 और हम जग चुके हैं। देखिए गांव में और शहर में यही अंतर होता है। गांव में जब हम सुबह सुबह जगते थे तब कुछ आवाज़ नहीं आता था, बस नेचर का आवाज़ रहता था। और लेकिन यहाँ पे है शहर में, पटना में है जब, तो यहाँ पे 4 बजे से ही पे 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 गाड़ी का, लोगों का आवाज़ कान में गूंजने लगता है। बहुत मतलब यही डिफरेंस है, बेसिक कुछ कुछ डिफरेंस है गांव में और शहर में। हम बता रहे थे कि कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है अगर बैठ के बात करते हैं। एक मिनट, हम बता रहे थे कि देखिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर किसी इंसान का हर दिन एक ही जैसा रूटीन हो और वो डेली एक ही जैसा व्लॉग बनाए तो लोगों को भी पसंद नहीं आता है। लोगों का मतलब आप लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अंतर तो रहता है हर दिन आदमी की ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस न्यू व्लॉग में, और आज देखते हैं कि आज मेरे ज़िंदगी में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है और दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल अभी तो हम जगह हैं, तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद फिर रूम वूम साफ़ कर लेंगे, स्नान उस्नान कर लेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना बना के खा लेंगे और फिर कुछ देखते हैं क्या कुछ आज खास होने वाला है आज के दिन। चलिए फिर, तो आज बना रहे हैं घिवड़ा के सब्जी और भात चावल। देखिए घिवड़ा इन्हें देखो ना यार, घिवड़ा मतलब देखिए चाकू भी लिए हो क्या? ना ना चाकू नहीं लिए हैं, चाकू से काट रहे हैं। घिवड़ा बोला जाता है, लेकिन पटना में जो है ना नेनुआ बोला जाता है, कितने जगह घिवड़ा भी बोला जाता है। अरे तुम इधर दिखाओ ना यार, तुम उधर कहाँ दिखा रहा है। तो आज बनेगा घिवड़ा का सब्जी और चावल भात। हम इसलिए बोले हैं ना घिवड़ा, क्योंकि घिवड़ा का इस्तेमाल 2 जगह होता है हमारे इधर, ठीक है, सीतामढ़ी जिला में। हम सीतामढ़ी जिला से हैं, 2 तरह से घिवड़ा का इस्तेमाल होता है, एक गाली में भी और एक खाने में भी। जैसे कि खाने में क्या बनाए तो घिवड़ा की सब्जी बना लो, और घिवड़ा का इस्तेमाल जो है ना गाली में भी होता है, वो इस्तेमाल आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन होता है। ये जो हाईवे है इसको हम कभी इतना खाली नहीं देखे थे, आज ये खाली है इसलिए क्योंकि यहाँ से नीतीश जी अभी गुजरने वाले हैं। देखिए अभी आएगा नीतीश जी का गाड़ी, सफारी से अभी गुजरने वाले हैं, देखिए ये आगे सफारी इसी से गुजरे हैं। थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लिए हैं, दाढ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था, अरे इधर छोटा हो गया इधर बड़ा हो गया ना, अभी इसको ठीक करते हैं, फिर स्नान उस्नान करेंगे, तो गड़बड़ा गया यार। और ट्रिमर लाइए महाराज, गड़बड़ा गया पूरा सिस्टम महाराज, जब आते हैं तब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी देखिए अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दिन में 6 पैक निकाल लीजिएगा कि पेट निकल गया तो करना पड़ेगा कीजिए। एक दिन में लग रहा है आप 6 पैक निकाल लीजिएगा। लाइए ट्रिमर महाराज, गड़बड़ा गया सिस्टम, अभी हम इसको ठीक करते हैं। अब फ्लिपकार्ट पे 2 तकिया ऑर्डर किए थे, आ गया है, देखते हैं कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा तकिया दिया है। ये साला कैसा तकिया दे दिया है जी, लग रहा है इसे भूसा उसा कस के रख दिया है, इसमें खाली भूसा उसा है इसे। ये तो रिटर्न कर देंगे, ये तो ठग लिया, इसको रख देते हैं फिर से पैक करके, इसको रिटर्न कर देंगे। देखिए दे पहले ये कैसा तकिया दिया है, पिक्चर में दिखा रहा था एकदम खतरनाक वाला, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि मसलोंग है एकदम खूबे गुलगुलो बा, आई तो साला ऐसे लग रहा जैसे कि इसमें खाली भूसा उसा कस दिया है। देखिए अभी बाहर निकले थे घूमने के लिए अभी, लेकिन रास्ता भटक गए हैं, जाना था किधर आ गए हैं किधर। अब गूगल मैप का अब इस्तेमाल करना है। अब गूगल मैप बहुत सही चीज़ है, लेकिन आपको देखिए आपको थोड़ा घुमाएगा, घुमा सकता है, लेकिन आपको जो है ना सही जगह पर आपको ले जाएगा। तो अभी गूगल मैप का इंतजार इस्तेमाल करके अभी जाएंगे रूम पे, और उसके बाद आज का मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का, बहुत ही घमासान होने वाला है। अब चलते हैं रूम पे, कैसे भी करके पहुंचते हैं रूम पे अपने। अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच चल रहा है, मात्र एक ओवर बच गया हुआ है, बहुत टेंशन हो गया है। अरे डिस्टर्ब नहीं कीजिए अभी महाराज, अभी रुकिए एक मिनट, एक मिनट। तो आखिरकार इंडिया मैच जीत गया,
हार्दिक पांड्या जिंदाबाद। अभी अभी मारा है हार्दिक पांड्या छक्का, अभी मारा है छक्का, जय हो। बाप रे बाप, हार्दिक पांड्या एकदम तहलका मचा दिया भाई, पूछिए मत। पूरा बाहर में पूरा लड़का सब एकदम, पूरा हॉस्टल के लॉज के लड़का सब एकदम निकल के बम फोड़ रहा है, एकदम शोर मचा रहा है कि क्या बताएं आपको। मजा आ गया एकदम, जय हो जय हो जय हो इंडिया टीम, इंडियन टीम के खिलाड़ी सब, जय हो जय हो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अब जा रहे हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं ना, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, हम भी सबके साथ थोड़ा हल्ला कर लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता ही है, कमेंट कीजिए, बताइए अच्छा लगा कि नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।